अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद रोशन यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से आपके लिए न्यू अपडेट्स लेके आया हूँ बैरिया एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी के हवाले से। इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो प्राइसेस के हवाले से, लोकेशन के हवाले से, और इसमें क्या चीज़ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इसमें कौन कौन से ब्लॉक में क्या क्या कैटेगरीज अवेलेबल हैं, इन तमाम बातों के हवाले से जो है वो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हम शुरू करते हैं लोकेशन के हवाले से। शुरू करते हैं सबसे पहले कि आपको लोकेशन के हवाले से बता देता हूँ कि हम बैरिया एजुकेशन मेडिकल सिटी तक कैसे हम पहुँच सकते हैं और किन रास्तों से पहुँच सकते हैं। इसमें हम दो रास्ते यूज़ कर सकते हैं। एक तो जो रास्ता है वो फिरोजपुर रोड से हम बैरिया एजुकेशन मेडिकल सिटी तक आ सकते हैं। इसके अलावा दूसरा रास्ता जो है वो ठोकर से आप बैरिया एजुकेशन मेडिकल सिटी तक पहुँच सकते हैं। हम डिस्कस करते हैं कि फिरोजपुर रोड वाला रास्ता जो है वो कैसे आता है। फिरोजपुर रोड से आप टूवर्ड आते हैं गजुमत्ता तक। गजुमत्ता से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपके राइट साइड पे ये सुएसल रोड आता है। आपने टर्न कर देना है सुएसल रोड के ऊपर। सुएसल रोड पे आप जैसे ही आएंगे तो आपने तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर आपने फासला तय करना है। तो आपके राइट साइड पर जो है ये बैरिया एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी है, यहाँ पे आप आ सकते हैं। और जो दूसरा रास्ता है वो है ठोकर से। ठोकर से आपने टूअर ड्राइवन रोड की तरफ आना है। आप जो है ट्रैवल करते हुए आएंगे तो आपके रास्ते में जो है अड्डा प्लॉट आएगा। अड्डा प्लॉट को भी आपने क्रॉस कर जाना है। आपके राइट लेफ्ट पे जो है वो सोसाइटीज़ आएंगी, प्राइवेट सोसाइटीज़ जैसे कि अलकबीर और लेक सिटी। इसके अलावा जो है आपका राइट साइड पे यूनिवर्सिटी आएगी, सुपीरियर यूनिवर्सिटी, आपने इसको भी क्रॉस कर देना है। इसको क्रॉस करके आप जाएंगे तो चिनार बाग आ जाता है। चिनार बाग को भी आपने क्रॉस कर देना है। तो आपके राइट लेफ्ट पे जो है वो बैरिया ऑर्चर्ड के फेसेस आते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और फेज़ 4, ये दोनों तरफ हैं रोड के, इनको भी आपने क्रॉस कर देना है। थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो आपके लेफ़्ट साइड पर जो है वो सुएसल रोड को ब्रिज है जो कि सुएसल रोड की तरफ जाता है, वो आपने क्रॉस करना है और आप सुएसल रोड के ऊपर आ जाएंगे। सुएसल रोड के ऊपर आते ही आपने तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर आपने फासला तय करना है। तो आपके लेफ़्ट साइड पे जो है वो आपको बैरिया एजुकेशन मेडिकल सिटी का गेट नज़र आएगा, आपने वहाँ पे एंटर हो जाना है। ये हो गई कि लोकेशन आपने कैसे बैरिया एजुकेशन मेडिकल सिटी तक आपने आना है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इस सोसाइटी के अंदर कितने ब्लॉक अवेलेबल हैं और इन ब्लॉक में कितनी कैटेगरीज हैं जो कि अवेलेबल हैं और इसमें प्राइसेस क्या चल रही हैं। बैरिया एजुकेशन मेडिकल सिटी में जो है वो 4 ब्लॉक हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी और डी ब्लॉक। ए ब्लॉक में जो कैटेगरी अवेलेबल है वो 5 मरला और 8 मरला के हवाले से है, और बी ब्लॉक में भी जो है वो 5 मरला और 8 मरला है। सी ब्लॉक में 3 कैटेगरी अवेलेबल हैं जो कि 5 मरला, 8 मरला और 10 मरला की है। और डी ब्लॉक में हम कैटेगरी देखें तो वहाँ पे सिर्फ 5 मरला की कैटेगरी अवेलेबल है जो कि बहुत अच्छी प्राइसेस में अवेलेबल हैं। इसी में हम बात करते हैं कि पहले ए ब्लॉक में क्या प्राइसेस चल रही हैं। ए ब्लॉक में जो है, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के हवाले से मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि वहाँ पे 5 मरला की क्या प्राइसेस हैं। मिनिमम टू मैक्सिमम मैं आपको बता देता हूँ, 15.5 लाख से लेके आप 17.5 लाख रुपये तक प्लॉट आप बाई कर सकते हैं वहाँ पर, प्लॉट बाई कर सकते हैं वहाँ पर लोकेशन के हवाले से। बहुत अच्छा आपको प्लॉट मिल जाएगा। अगर आप मैक्सिमम प्राइस के ऊपर जाएंगे तो आपको डबल लोकेशन प्लॉट भी मिल जाएगा या सिंगल लोकेशन प्लॉट मिल जाएगा, आप वहाँ पे आप प्लॉट बाय कर सकते हैं 5 मरला का। इसी तरह 8 मरला का जो रेट चल रहा है वो रेट आपका स्टार्ट हो रहा है 18 लाख से लेके 21 लाख रुपये तक, आपको काफ़ी अच्छा प्लॉट मिल जाएगा 8 मरले का। इसी तरह हम 10 मरले का प्लॉट देखते हैं, 10 मरले की क्या प्राइसेस हैं। 10 मरले की जो प्राइसेस स्टार्ट हो रही हैं वो आपकी 23-24 लाख से लेके 27 लाख रुपए तक आपको अच्छा प्लॉट मिल जाएगा 10 मरले का, जहाँ पे आप बना सकेंगे और पोजेशन वाला ऑन ग्राउंड प्लॉट आपको मिलेगा। डी ब्लॉक जो है वो आपकी एक्सटेंशन आई थी डी ब्लॉक की, जो कि बाद में आया है। ये सबसे पहले ब्लॉक थे ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक, इसके बाद ये डी ब्लॉक आया था जो कि इंस्टॉलमेंट पे था 5 मरला की
डेढ़ साल की इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, और इसकी काफ़ी हद तक जो है वो बुकिंग हो चुकी हुई है कंप्लीट। अब कोई प्लॉट जो है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। रीसेल में ज़रूर आपको प्लॉट मिल जाएगा 5 मरला का। इसकी जो प्राइसेस बैरी की तरफ से लॉन्च हुई थी वो 16 लाख रुपए की थी, और इसकी डाउन पेमेंट जो है वो 4.5 लाख रुपए थी डाउन पेमेंट, और इसकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट थी 1,91,000 रुपए की, जो कि हर 3 माह बाद जो है आपने पे करनी थी। तो डाउन पेमेंट इसकी कंप्लीट हो गई हुई है, और 2 इंस्टॉलमेंट इसकी जो हैं वो पेड हो चुकी हुई हैं। अब तीसरी इंस्टॉलमेंट इसकी आने वाली है। तो अगर हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो बाय करना चाहते हैं 5 मरला रीसेल में, तो वो उनको मिल जाएगा। उनको जो पे करना होगा वो डाउन पेमेंट और प्लस 2 इंस्टॉलमेंट्स। लेकिन जो डाउन पेमेंट शुरू में चल रही थी 4.5 लाख रुपये, अब वो डाउन पेमेंट नहीं है। अब जो है वो आपको मिलेगी 5 लाख रुपये से लेके 5.25 लाख रुपये तक आपको डाउन पेमेंट पे करनी होगी, क्योंकि इसकी प्राइसेस अब हो चुकी हुई हैं। और प्लॉट नंबर के साथ आपको मिल जाएगा प्लॉट, इसमें बेल्टिंग भी हो चुकी है, मैप भी आ चुका हुआ है, ऑन ग्राउंड हो गया हुआ है, पोजेशन अवेलेबल है यहाँ पे। लेकिन इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट होने के बाद आपको ये पोजेशन बैरियर की तरफ से मिलेगा। वैसे आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे पोजेशन। इसमें हम फैसिलिटीज़ के हवाले से देख लेते हैं कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ मिल जाएगी, और पार्क्स मिल जाएंगे, मस्जिद मिल जाएगी जो कि फंक्शनल है। स्कूल यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, स्कूल बन जाएगा। वहाँ पे जगह जो है वो बैरिया ने छोड़ी हुई है, क्योंकि आबादी नहीं है वहाँ पे इतनी ज़्यादा, इस वजह से उन्होंने अभी स्कूल उसको फंक्शनल नहीं किया, बनाया नहीं है। तो स्कूल जो है वो बहुत जल्द बन जाएगा। और यहाँ पे बिजली पानी अवेलेबल है, गैस अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि गैस भी जो है वो आबादी होने के बाद ही आएगी। 50% जहाँ पे यहाँ पे आबादी हो जाएगी तो फिर गैस जो है वो यहाँ पे लग जाएगी। इसके अलावा जो है यहाँ पे अपार्टमेंट्स भी हैं, उसके हवाले से भी मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि अपार्टमेंट्स में जो है वो आपको किस प्राइसेस में मिल जाएगी, और वहाँ पे अकोमोडेशन क्या है। अपार्टमेंट्स जो हैं वो 5 मरले के हैं, और इनमें जो अकोमोडेशन है वो 2 बेडरूम की अकोमोडेशन है। इसमें आपका एक टीवी लॉन्च और किचन और 1 बाथ ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे प्राइसेस के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 3 फ्लोर्स हैं जिनकी अलग अलग प्राइसेस हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर तक ये अपार्टमेंट्स हैं, इससे ऊपर इसके अपार्टमेंट्स नहीं हैं, सिर्फ ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर पे जो प्राइसेस चल रही हैं वो प्राइसेस हैं आपको 27 से 28 लाख रुपये का ग्राउंड फ्लोर का जो है वो 5 मरले का मिल जाएगा अपार्टमेंट। इसी तरह फर्स्ट फ्लोर पर जो है आपको अपार्टमेंट मिलता है 23 से लेके 24 लाख रुपए तक आपको जो है वो अपार्टमेंट फर्स्ट फ्लोर पे मिल जाएगा। इसी तरह सेकंड फ्लोर जो है वो आपको 19 लाख से लेके 22 लाख रुपए तक जो है वो आपको सेकंड फ्लोर मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा रहने के लिए यहाँ पे है ये अपार्टमेंट्स, काफ़ी साफ़ सुथरे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। और जो अपार्टमेंट्स हैं वो बी ब्लॉक में और सी ब्लॉक में अवेलेबल हैं, ये आपको अपार्टमेंट मिल जाएंगे। यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और करते भी हैं, क्योंकि प्राइसेस यहाँ पे काफ़ी लो हैं, और जिन लोगों का बजट कम है, जिन लोगों के पास कम पैसे हैं और वो अपना घर बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, वहाँ पे जो है वो घर बना सकते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं प्लॉट ले सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी कर सकते हैं कि आपको सस्ता प्लॉट मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक बैरियर टाउन का ब्रांड हो और आपको जो है फैसिलिटीज सारी अवेलेबल मिल रही हों यहाँ पे अवेलेबल हों, और किसी किस्म का कोई मसला ना हो। तो इस तरह की सोसाइटीज़ में जो है हमारी ख्वाहिश होती है कि हम यहाँ पे प्लॉट बाय करें और सुकून की जो है वो ज़िंदगी गुजारें। तो यहाँ पे आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, और आप यहाँ पे जो है वो बाय कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए जो है आपको नीचे दिया गया नंबर है, उस पर आप रابطہ कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल जो है वह सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वीडियोस मज़ीद अपडेट्स मिल सकें सोसाइटी के हवाले से। और आप हमारा जो है ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं, हम आपको लोकेशन वगैरह विज़िट भी करवा देंगे। इसके अलावा आपको कोई भी मज़ीद मालूमात चाहिए हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे से। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे UPN के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।